थॉर मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सबका फेवरेट है, खास करके इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा थॉर ही चलता है। लेकिन एमसीयू ने थॉर के साथ जस्टिस नहीं किया, उसे बस मजाक बनाकर रख दिया है। जिसने भी कॉमिक्स पढ़ी है वो समझ सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। थॉर कॉमिक्स में सीरियस है, उसकी अपनी स्टोरी है, अपना रियल्म है, लेकिन एमसीयू में थॉर को फनी और कॉमेडी नाइट्स का कपिल बना दिया गया है, जो कि हर बात पर जोक मारता है। रैग्नारॉक से लेकर लव एंड थंडर तक, मतलब मैं खुद को थॉर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि बंदे की माँ की डेथ हुई है, बाप मरा है, उसकी आँख फूटी है, भाई मरा है जो कि मरता ही रहता है, और तो और पूरा एस्गार्ड डिस्ट्रॉय हो गया है। ऐसा थॉर थोड़ा सीरियस, ब्रोकन और एंगर से भरा होना चाहिए, लेकिन नहीं, बस एंड गेम में थनोस उसको मारने तक उसका ट्रॉमा दिखाकर खत्म कर दिया। गॉर द गॉड बुचर की स्टोरी को तो कतई बेकार कर दिया। आपको इस पे क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। लेकिन आज हम बात करेंगे थॉर के मार्वल कॉमिक्स में उन टॉप 5 फाइट्स के बारे में जिसने थॉर को सबसे पावरफुल गॉड बनने पर मजबूर कर दिया, जहां थॉर की सारी स्ट्रेंथ का पता चला। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप थॉर के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर जरूर जाना। नंबर 5 पर है थॉर वर्सेस सेंट्री। मार्वल सीज के इवेंट में जब नॉर्मन ऑसबॉर्न यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है, तब वो सेंट्री, एरीज और बाकी के विलेंस के साथ मिलकर एस्गार्ड पर अटैक कर देता है। पहले तो एरीज नॉर्मन की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आता है कि वो गलत साइड पर है। तब एरीज सेंट्री को मारने दौड़ता है, लेकिन सेंट्री एरीज द गॉड ऑफ वॉर को बीच से फाड़ देता है। तब अपने एस्गार्ड को बचाने के लिए थॉर वहां पर आ जाता है। सेंट्री थॉर को दो पटक देता है। थॉर उठता है और अपनी फुल लाइटनिंग के साथ सेंट्री पर ब्लास्ट कर देता है। इस हमले से किसी का भी खात्मा हो जाना था, लेकिन सेंट्री को एक खरोच भी नहीं आती, क्योंकि सेंट्री अपनी पावरफुल फॉर्म यानी कि वॉइड में बदल चुका था। थॉर अपनी कोशिश करता है, लेकिन सेंट्री एस्गार्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर थॉर का खून खौल जाता है और इस बार वो अपने फुल रेज के साथ सेंट्री पर अटैक करता है, और इस बार वॉइड घायल हो जाता है। तब थॉर वॉइड को पकड़कर सन में फेंक देता है। अगर ये फुल स्टोरी देखनी है तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अब वहां से देख सकते हो। नंबर 4 पर आती है थॉर वर्सेस बीटा रेबल। वैसे तो थॉर और बीटा रेबल भाई जैसे हैं, लेकिन उनकी ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुई कि आज इस लिस्ट में आ गई, तो ये कहानी तब की है जब गैलेक्टस ब्लैक विंटर को हराने के मकसद से थॉर की मदद लेने के लिए आता है। इसके लिए गैलेक्टस थॉर को अपना हेराल्ड बनाकर कुछ प्लैनेट्स को कंज्यूम करने चल देता है, क्योंकि गैलेक्टस को काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए थी, पर बिल थॉर को ऐसा करने से मना कर देता है। बिल थॉर से कहता है, तुम पावर कॉस्मिक के वश में आकर खुद को भूल चुके हो थॉर, मैं तुम्हें ऐसे ही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। इतना कहते ही बिल थॉर की ओर अपना स्टॉर्म ब्रेकर फेंकता है, लेकिन थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को हवा में ही रोक देता है और बिल को पास के मून पर दे मारता है। बिल तब भी नहीं रुकता, तब ऑल फादर थॉर अपने एक ही वार में स्टॉर्म ब्रेकर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बिल ये देखकर समझ जाता है कि आज वो थॉर के सामने कुछ भी नहीं है। नंबर 3 पर है थॉर वर्सेस गैलेक्टस। थॉर 2020 में आई कॉमिक्स में जब गैलेक्टस थॉर की मदद मांगने के लिए एस्गार्ड पर आता है, तब वो पहले तो थॉर से बदतमीजी से पेश आता है, जिसकी वजह से थॉर अपने म्योनीर से पहले गैलेक्टस का पैर तोड़ता है और बाद में उसकी उंगलियाँ भी। ये गैलेक्टस के लिए एक सबक था कि उसे एस्गार्ड के किंग से कैसे बात करनी चाहिए। इसी कहानी में आगे चलकर जब गैलेक्टस और थॉर का आमना सामना ब्लैक विंटर से होता है, तब थॉर गैलेक्टस को किसी बॉम्ब की तरह यूज़ करता है और वो गैलेक्टस को ब्लास्ट करके उसके साथ साथ ब्लैक विंटर को भी मार देता है। नंबर 2 पर आती है थॉर वर्सेस गॉर द गॉड बुचर की स्टोरी लाइन। ये कहानी मेरी फेवरेट स्टोरीज में से एक है, क्योंकि इसमें सच में गॉर द गॉड बुचर को प्योरली ईविल दिखाया गया है। उसकी ब्रूटैलिटी की सब हद पार कर दी जाती है। गॉर को हराने के लिए थॉर गॉड बॉम्ब को भी ब्लास्ट करता है, लेकिन गॉर अपनी नेक्रो सॉर्ड के साथ वापस से आ जाता है। गॉर को हराने के लिए थॉर को किंग थॉर और यंग थॉर की ज़रूरत लगती है, तब जाकर कहीं ये तीनों थॉर मिलकर उस एक विलेन गॉर द गॉड बुचर को हरा पाते हैं। नंबर 1 पर है थानोस वर्सेस मदर स्टॉर्म। ये फाइट मैंने इसलिए नंबर 1 पर रखी है क्योंकि अभी तक के हर फाइट में थॉर का साथ देने के लिए म्योनीर उसके साथ था, पर इस बार थॉर का म्योनीर खुद थॉर के खिलाफ हो गया था। म्योनीर के अंदर के मदर स्टॉर्म को मैंगोग ने करप्ट कर दिया था, जिसको हराने के लिए खुद ओडन ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, और तब जाकर थॉर को ट्रू फॉर्म में ओडन फोर्स मिलती है।
जिसके बाद थॉर ने म्योनीर को हराकर उसमें से मदर स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बैटल मेरे हिसाब से नंबर वन पर ही होनी चाहिए थी। एक समय पर मैं इस कॉमिक्स को कवर कर रहा था लेकिन रिस्पांस ना मिलने के कारण इसे मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो अगर आप में से किसी ने इस कॉस्मिक किंग थॉर की आगे की स्टोरी जाननी है तो मैंने वीडियो को कवर कर दिया है, आप जाकर कॉस्मिक किंग थॉर की फुल प्लेलिस्ट से आगे की वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइज ये थी थॉर की आज की टॉप 5 बैटल्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बैटल थी जिसमें थॉर को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था, वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ इन्जॉय करें और खुश रहें।